इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नागौर में इन दिनों दिग्गज जाट नेता और एनडीए के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। गांव-गांव ढाणी ढाणी को नाप रहे बेनीवाल की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जाटलैंड में इस बार किसके नाम की आंधी चल रही है और किसका तंबू हवा में उड़ रहा है। अप्रैल की गर्मी राजस्थान को जितना झुलसा रही है, उससे कहीं ज्यादा गर्म इन दिनों नागौर का सियासी माहौल बना हुआ है। हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस की ज्योति मिर्धा के बीच खूब सियासी वार पलटवार चल रहा है। ज्योति मिर्धा जहां बेनीवाल पर एक आरोप जड़ती हैं, तो बेनीवाल पलटवार करने में देर नहीं लगाते। मंत्री का टिकट काट करके उन्होंने नागौर जैसी एक अहम सीट जिस पर से हवा चलती है कि पूरे राजस्थान में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, भूल गई तो वो नागौर को भी भूली हुई है। जब आप आम आदमी एक बार मकराना के चार बच्चे मुझे मिले थे, जब 2009 में ज्योति मिर्जा को लाने वाले मैं और डीनवाना के पूर्व विधायक ऊपर हम से ड्यूटी थे, उन्होंने मुझे कहा जब मैं बीजेपी का विधायक हुआ करता था मेरी अनबन हो गई पार्टी को कटा के ज्योति मिर्जा आपको लेके आते हैं, वो बिल्कुल नहीं जानती, तकलीफ नहीं देगी जिले के अंदर। तो मैंने कहा आपका मन हो गया बता देना, मैं क्या रूट लिया था पार्टी से, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ साथ कर दूंगा मदद। तो देखो सच बोलता हूँ, नागौर में पिछले 6 दशकों से मिर्धा परिवार की तूती बोलती आई है, लेकिन अब इस जाटलैंड में हनुमान बेनीवाल के रूप में किसानों का एक नया नेता उभर रहा है और ये चुनाव बेनीवाल के करियर के लिए भी बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बेनीवाल की जीत उनको सर चौधरी छोटू राम या फिर चौधरी चरण सिंह की तरह देश भर में एक बड़े किसान नेता के तौर पर स्थापित करा सकती है। हर पंचायत मुख्यालय में जाऊं, लेकिन बीजेपी ने मेरे से गठबंधन किया है कि हनुमान जी को दूसरे जिलों में घुमाएंगे, तो ध्यान रखना कि मुझे दूसरे जिलों का बुलाव आ गया, मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमआई न्यूज़। जिन्होंने साथ दिया, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।